हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों। अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरह से एक सही जगह पे ट्रेड करता हुआ मिल रहा है, जिसमें अगर हम ट्रेड भी कर लेते तो हमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल रहा है, और उसमें मोमेंटम भी हमें अच्छा खासा नजर आ रहा है। जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, तो ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे भी मिला है, तो उसकी वजह से हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया है। अभी हम इसमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है, हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, और उसी के साथ जो हमारा टारगेट कैलकुलेशन है वो भी किस तरह से होना चाहिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने टाइटल में लिखा है कि फिबोनाची जो लाइन रहती है, तो ये टूल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे टारगेट कैलकुलेशन करेंगे, और फिर आगे जाकर हम शॉर्ट टर्म के लिए उसे ट्रैक करेंगे कि ये हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी स्टॉक का एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना या तो दो तीन महीने या कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय लगने वाला होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई स्टॉक में पोजीशन बना लेते हैं और दूसरे दिन में अगर स्टॉक में गिरावट आती है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो गिरावट आने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि ये स्टॉक अभी अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देने वाला और हम उसमें से बाहर आते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा पेशेंसली करना पड़ेगा। जितना हम पेशेंस रख के ट्रेडिंग करेंगे, जितना डिसिप्लिन के साथ करेंगे, उतना हमें बेनिफिट हो जाएगा, राइट। जब भी हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो एक दो दिन के मूवमेंट को देखकर हमें कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए, हमें पूरी तरह से जो भी हमने स्टॉप लॉस डिफाइन किया था, टारगेट डिफाइन किया था, ट्रेलिंग के हमारे जो भी रूल्स डिफाइन किए थे उसको फॉलो करके ही हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तो ही हमें आगे जाकर सक्सेस मिलता है, राइट। तो जो भी हमने अब तक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बताए हैं उसको आप अच्छी तरह से शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन के लिए ही चेक कीजिएगा। जब भी स्टॉक में कोई भी अगर हम चार्ट लेते हैं, स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती रहती है तो स्टॉक वर्टिकली मूवमेंट नहीं देता, उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने इसमें पोजीशन बनाई होती तो ये दो तीन कैंडल तक ऊपर गया, बहुत सारा ऊपर गया, लेकिन फिर बाद में उसमें थोड़ी गिरावट आ गई, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर बाद में गिरावट आ गई, फिर ऊपर गया, राइट। तो स्टॉक इस तरह से ही मूव होते रहते हैं, हमें वर्टिकल रैली नहीं मिलेगी, ये अप्स एंड डाउन्स करते करते ही उसमें अपसाइड की मूवमेंट आएगी। हमें फाइनली इतना ही देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, टारगेट हिट हुआ है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली हमने जो भी डिस्कस किया आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ही देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करने से
पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हमने स्टॉक लिया है DFM फूड्स का, राइट। अभी ये इसका डेली चार्ट है और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। अभी मंथली चार्ट अगर आप देख लेते हैं तो इसका जो मंथली चार्ट है ये अभी मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो अगर हम इसके लो कंपेयर करते तो हमें हायर लोज मिल रहे हैं, और ये भी प्रीवियस मंथ की कैंडल अच्छी खासी ग्रीन में क्लोज हुई थी और ये भी कैंडल अभी भी अच्छी खासी ट्रेड कर रही है, राइट। तो मंथली पे बुलिश सिनेरियो हमें दिख रहा है। अब हम इसका वीकली चार्ट ओपन करते हैं। वीकली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया था, उसके बाद यहाँ पे हायर बॉटम बना दिया। अब ये इसका टॉप था, भी आगे जाकर देखेंगे कि इसका टॉप ब्रेक होता है क्या। अगर टॉप ब्रेक होगा तो इसमें और भी अपर साइड की मूवमेंट आएगी। तो वीकली पे भी फिर भी हमें सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो बुलिश ही सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो नीचे वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट को अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्कआउट कर देते हैं तो ये सपोर्ट के ऊपर ही अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें अच्छी तरह से लग रहा है कि इसमें प्राइस एक्शन बन सकता है। अभी मैं फाइनली इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा ये बॉटम था, इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर बॉटम बन गया, और एक टॉप था भी देखेंगे कि आगे जाकर ये टॉप को ब्रेकआउट देता है क्या। अगर ये टॉप को ब्रेकआउट देगा तो जो ऊपर वाली उसके रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए अगले अगले टारगेट्स बन जाएंगे। तो वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला, तो हमें कुछ दिनों के लिए उसको ट्रैक करना पड़ेगा। अभी दोस्तों जैसे कि मैंने कहा है कि ये स्टॉक में हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्टिकल रैली आई थी और फिर ये थोड़ा करेक्शन था, और एक करेक्शन के बाद जैसे कि हमने ऊपर वाली एक लाइन मार्कआउट की है और नीचे वाली एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है, ये इसका रीजन था। रीजन को ब्रेकआउट देकर ये बाहर जाकर क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे ठीक ठाक मिला है, राइट। लेकिन क्लोजिंग अच्छी खासी हमें यहाँ पे मिली है, रीजन से बाहर जाकर ये क्लोज हुआ है, तो लग रहा है कि इसमें प्राइस एक्शन बन सकता है। तो जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है तो फ्लैग पैटर्न के ट्रेडिंग करने के भी उसके कुछ रूल्स रहते हैं, यानी कि हमें पोजीशन कहाँ पे बनानी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे ट्रेडर्स अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल बताओ तो कोई क्या करेगा, इसी ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेगा, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, राइट। और टारगेट मान लीजिए अगला जो जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से वो टारगेट को कैलकुलेट करेगा। कोई क्या करेंगे, ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे, या तो यहाँ पे डायरेक्टली इन बिटवीन कहा तो बाय करेंगे, और जो यहाँ पे स्विंग लो बना था उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उनका जो जो नजरिया रहेगा वो थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, राइट। तो अगर हम स्टॉप लॉस दूर रखते हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम शॉर्ट टर्म के मूव पे इसमें कोई डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। जब भी हम कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो शॉर्ट टर्म में अगर ये नीचे आता है तो हम वहाँ पे ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, लॉस बुक करके बाहर आएंगे। तो इस तरह से रहता है, कोई टारगेट कैलकुलेशन के लिए फिबोनाची लाइन का इस्तेमाल करता है, कोई क्या करता है कि फ्लैग का जो पोल है उसकी हाइट कैलकुलेट कर लेता है और यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करता है, जो भी बनेगा उसका टारगेट रहेगा। तो अलग अलग तरीके से भी इसके ट्रेडिंग के तरीके रहते हैं। मैं यहाँ पे अभी यहाँ से अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसमें आप फर्दर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि हम फ्लैग का जो टारगेट है वो फिबोनाची लाइन के इस्तेमाल उसका ये जो टूल है उसका इस्तेमाल करके हम करने वाले हैं। तो अभी अभी मैंने यहाँ पे फिबोनाची लाइन ड्रॉ नहीं की है, तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे जो फ्लैग बना है उसके हिसाब से मैं आपको बाइंग जो पोजिशन है वो और हमारा स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ। तो एंट्री करने के लिए मोमेंटम बनने के लिए इसमें इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना पड़ेगा, यानी कि जैसे इसके हाई के ऊपर ट्रेड करेगा इसमें प्राइस एक्शन बनेगा। स्टॉप लॉस हम ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे भी लगा सकते हैं, कोई लोग इसकी ये भी कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, लेकिन हम थोड़ा रिस्क थोड़ा बड़ा कर ये कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। मान लीजिए मार्केट में पैनिक बनता है, स्टॉक नीचे भी आता है तो ये ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट लेगा, लेकिन ये कैंडल अभी उससे भी नीचे है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि वोलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर स्टॉक ऊपर जाए, तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे दूर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे रखेंगे। कोई लोग यहाँ पे भी रख लेते हैं, ये जो स्विंग का लो बना था इसके नीचे भी रख लेते हैं, राइट। हम यहाँ पे इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस हमारा रखेंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा कि टारगेट कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे फिबोनाची लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये फिबोनाची लाइन का टूल है, इसके जरिए हम यहाँ पे हमारा टारगेट कैलकुलेट करते हैं। तो ये पहला जो लो है इसको पकड़कर हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, यानी कि फिबोनाची लाइन को ड्रॉ किया। ये कैंडल के हाई पे रखने के बाद हमें इसे छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे जो स्विंग लो बना था वहां पे मैंने इसको फिर आकर यहाँ पे इसे छोड़ दिया, राइट। तो इस तरह से ये फिबोनाची लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, जो यहाँ पे लो बना था उसको हमने ले लिया,
यहाँ पे जो हाई बना था उसको ले लिया, और उसके बाद जो यहाँ पे एक स्विंग लो बना था उसको हमने ले लिया। तो ये तीन पॉइंट को कनेक्ट करके हमने ये फिबोनाची लाइन ड्रॉ की, और जैसे हमने फिबोनाची लाइन को ड्रॉ किया तो इमीडिएट बेसिस पे हमारे सामने कुछ फिबोनाची के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे सामने कुछ टारगेट यहाँ पे आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये टारगेट का यानी कि कैलकुलेट करके हमारे सामने आ गए हैं। जो भी पहला रेजिस्टेंस हमें फिबोनाची के हिसाब से दिख रहा है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, या दूसरा टारगेट रहेगा, ये तीसरा और ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा। जब भी पहला टारगेट मिलेगा हम वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर उसे ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम आगे जाकर उसे ट्रेल करते करते लेके जाएंगे, राइट। ये पूरी तरह से हम पे डिपेंड हो जाता है। तो इस तरह से हम फिबोनाची लाइन का भी इस्तेमाल करके टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, ये कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए हमने यहाँ पे फिबोनाची लाइन का इस्तेमाल किया है। ये हमारा पहला टारगेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टारगेट हमारे हो जाते हैं, राइट। और ये जो हमारा नजरिया है ये शॉर्ट टू मिड टर्म का है, तो आप इसे कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक इसे ट्रैक कर सकते हैं। आप आपके वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा और कुछ दिन के लिए इसे ट्रैक कीजिएगा और देख लीजिएगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी ट्रेडिंग करते करते अगली कैंडल रेड बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर रेड बनेगी, इस तरह से ऊपर नीचे तो होते जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्या। अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो ये हमारा एनालिसिस सही था, राइट। तो इस तरह से हम उसे ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट का एनालिसिस किया तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।